घर से गांधी मैदान के लिए आज है 22 मार्च जिसे बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज का दिन बिहार वासियों के लिए काफ़ी खास है। अभी जा रही हूँ मैं गांधी मैदान जहाँ बिहार दिवस के उपलक्ष्य में रंगारंग कार्यक्रम का शानदार आगाज किया जा रहा है। ये हमारे घर से कुछ ही दूर पे पड़ता है गांधी मैदान, तो ये जो घर और गांधी मैदान के बीच का जो डिस्टेंस है उसका थोड़ा व्यू है। यहाँ कुछ ही देर में आपको देखने को मिलेगा गोल घर, ये बन रहा है सिटी सेंटर, बहुत जल्दी बनकर हो जाएगा तैयार। और आगे आपको देखने को मिलेगा गोल घर, कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग घूमे होंगे और जो लोग दूर रहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हेलो पीपल, वेलकम टू माय ब्लॉग स्वीटी का सफ़र। बिहार के पावन धरती पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अभी आ चुकी हूँ मैं पटना के गांधी मैदान में और दिखाती हूँ आपको आगे की झलक। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, हम एकदम श्योर हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगे। भाई लोग चाहे जो कहें लेकिन अपना जो बिहारी टोन है ना उसका एक अलग ही फील है। अपने लौ को शरीर लक्ष्य प्रकाश पर खुद कभी घमंड न हो, प्रेरणा बनो सबकी दिखाना राह नजर, दीप तो जलते रहना यूं ही निरंतर। अंधेरी गलियों में हम जो भटक जाए, तेरी जियारे से प्रज्वलित हुआ शाये, दीप तुम चलते रहना यूं ही निरंतर। पुलन प्रभा ऊर्जा विश्व सदा और सियाओं से ऊपर हमारी ये गुब्बारी और अनेकता में एकता का परिचायक आकाश की ओर ये संदेश दे रहे हैं कि हम तमाम बिहारवासी मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं पटना के गांधी मैदान में। और शुरुआत आगाज हो चुका बिहार दिवस 2022 का, माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से ये गुब्बारे उड़ाए गए और चारों दिशाओं में भी खुशहाली। और अब सोनी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सादर अनुरोध करूंगी कि आप सबों के बीच अपर मुख्य सचिव सिंह सभी माननीय मंत्रीगण श्री और हमारे ऑडियंस। Thank you.
इस बार बिहार दिवस 2022 का थीम है जल जीवन हरियाली। हमारे जीवन में जल और चारों तरफ हरियाली की बेहद ही ज़रूरत है, तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हमारे ही एक्टिविटीज़ द्वारा ये अनबैलेंस होता है। तो हमें अपने जीवन की सुरक्षा के लिए इसकी रक्षा करना हमारा ही कर्तव्य है। मिलती हूँ नए ब्लॉग में इसके दूसरे पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।